नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक प्रमुख विकास में चल रहे भारत चीन सीमा संघर्ष को जल्द ही हल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के कुछ हिस्सों से विस्थापन के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसके तहत वे अप्रैल मई समय में सीमा पर पहले अपने अपने पदों पर वापस चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अनुप गोस्वामी और दो अन्य आत्महत्या के मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता देश में लगातार बढ़ती रही है। दिग्गज सूचना तकनीक कंपनी विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी के परोपकारियों की सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है। प्रेम जी एक दिन में 22 करोड़ रुपए और एक साल में 7904 करोड़ रुपीस दान करने वाले वित्तीय वर्ष के 2020 में सबसे दानवीर भारतीय बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में दिवाली, छठ पूजा, काली पूजा आदि के दौरान पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। एससी ने दीपावली सहित चल रहे त्योहारों सीजन के दौरान पश्चिम बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में विकल्प की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियम टीवी से ज्यादा जरूरी है। इस हफ्ते Amazon Prime Video 13 नवंबर को पारिवारिक मनोरंजन छलांग की डिजिटल रिलीज लेता जा रहा है। हंसल मेहता द्वारा निर्देशित, गुलशन कुमार और भूषण कुमार द्वारा प्रोड्यूस की हुई फिल्म और अजय देवगन, लवरंजन, अंकुर गर्ग फिल्म में राजकुमार राव और नुसरत भरूचा जल्द ही आपको नजर आएंगे। प्रमुख भूमिकाओं में सौरभ शुक्ला, सतीश कौशिक ये लोग भी नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी करीना कपूर वर्क मोड में दिखाई दे रही हैं। बीते दिनों में करीना कपूर अपने रेडियो शो व्हाट वुमेन वांट्स की तैयारी में भी लगी हुई थी। उन्होंने शो के एपिसोड्स को भी शूट किया है। खैर, ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले।